हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब घर पे हो, सेफ हो। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप मेरे अफोर्डेबल मेकअप रिकमेंडेशन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। इसी वजह से मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 हाइलाइटर अंडर 200 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा गुड क्वालिटी की है एंड बहुत ही अच्छी ब्रांड की तरफ से है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी और आपको देखने में अच्छा लगेगा। अगर आपके लिए मेरे वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है एंड आप लोगों ने वो वाले रिव्यू वीडियो को भी काफी ज्यादा पसंद किया था, वो है इनसाइड कॉस्मेटिक की हाइलाइटर। ये कुछ इस टाइप की क्यूट सी पैकेजिंग में आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके ऊपर कोई भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं था, लेकिन मैंने अभी सर्च करके देखा हुआ है, इसके ऊपर ना हाइलाइटर के ऊपर भी आउट ऑफ बॉक्स आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एंड इसको मैंने सिर्फ 70 रुपीज में परचेस किया था, वो भी अमेजन से लिया हुआ था। एंड ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में है। मेरा जो शेड है वो ही 01, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये जो है क्रीमी हाइलाइटर है एंड इसको आप चाहो तो फाउंडेशन के नीचे, फाउंडेशन को ऊपर भी लगा सकते हो। एंड इसका जो कलर है ये व्हाइट टाइप का दिखता है, सिल्वरिस कलर है, लेकिन आप उसका अगर ऐसे ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत गोल्ड की इफेक्ट भी आ रही है। एंड ये मेरी स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप के हाइलाइटर। एंड अगर मैं इसको लगाऊँ तो ये मेरे स्किन के ऊपर बॉम लगेगा, लिटरली ये bomb.com प्रोडक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं उसको यूज़ करती हूँ। एंड आप चाहो तो उसको फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो, क्योंकि विंटर आ चुका है तो विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो ये आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हाइलाइटर है वो मेरी फेवरेट ब्रांड है, वो है एनोवे की तरफ से। एंड ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में है, जो कि मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है, एक्चुअली मेरे हाथ से गिर गया था। उसके ऊपर एक्चुअली एक आउट ऑफ बॉक्स था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था एंड अच्छा सा पैकेजिंग के साथ आया हुआ था, लेकिन मैंने उसको फेंक दिया है। एंड जो भी शेड वगैरह होगा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड ये एक प्रॉपर गोल्डन हाइलाइटर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड साथ ही साथ बात करूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 125 ही ऐसा कुछ प्राइस में मैंने लिया हुआ था। जो भी प्राइस में मैंने परचेस करा हुआ था वो यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है एंड मैं यहाँ पे नेचुरल लाइट पे ही बना रही हूँ। इवनिंग टाइम हो चुका है, जो थोड़ा बहुत आपको लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो है रियल लाइट में ऐसा ही लगता है। एंड उसको आप डे टाइम में, नाइट टाइम में दोनों ही आप उसको यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट। जो सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी फेवरेट है, क्यों आप लोगों को पता ही होगा, मुझे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद है। एंड अफोर्डेबल के साथ साथ अगर ये जो है अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट निकल जाए ना, तो आपके मतलब सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो मार्स कॉस्मेटिक की तरफ से है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्स के जो प्रोडक्ट होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, आप सबको पता ही है। एंड ये जो हाइलाइटर है वो है, मेरा जो शेड है वो है 02 लकी। एंड ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ये एक पाउडर हाइलाइटर है। एंड मेरे पास जो शेड है वो है 02 एंड ये पिंकी पिन कलर के हाइलाइटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर। रोज गोल्ड कलर की है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फेयर स्किन टोन के ऊपर। आप जरूर ट्राई करना, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये जो मेरा सेट है वो है 02 लकी एंड ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। काफ़ी ज़्यादा सटल है, डे टाइम के लिए परफेक्ट है, कोई भी चंकी ग्लिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड उसका जो प्राइस है सिर्फ 99 या फिर ऐसा कुछ प्राइस में मैंने परचेस किया था एंड इसको लैसेस से लिया था, लेकिन ये जो है आपको अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मार्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप जरूर ट्राई करना और मैं ट्राई करूंगी सारे प्रोडक्ट की, जो भी मुझे लिंक मिल जाएगा मैं दे दूंगी। अगर जो प्रोडक्ट का लिंक नहीं मिलेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। सो या, ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम मार्स कॉस्मेटिक की हाइलाइटर, बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड साथ ही साथ मार्स कॉस्मेटिक की हाइलाइटर या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। एंड ये जो है मार्स के इस टाइप के पैकेजिंग के साथ आया हुआ था एक हाइलाइटर, इसको मैंने अमेजन से बाय करा हुआ था। ये भी सेम सैम्पिन कलर में ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो है दो कलर की इफेक्ट आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा रोज एंड थोड़ा सा वाइट, ऐसा करके मिक्स एंड मैच कलर की एक हाइलाइटर है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा, उससे अगर मैं बात करूँ वो वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, इससे ये थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मुझे पाउडरी काइंड ऑफ लगता है, तो इसी वजह से। लेकिन कोई भी चंकी ग्लिटर्स वगैरह नहीं है, हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सटल है। जो bomb.com वाला हाइलाइटर बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सटल है डे टाइम फंक्शन के लिए, या फिर डे टाइम अगर आप डेली कॉलेज या फिर ऑफिस वगैरह जाते हो तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बिगनर के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है।
ओके ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड लास्ट नॉट लीस्ट ये जो प्रोडक्ट है मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, जब भी ये फिनिश होता है मैं बैक टू बैक उसको परचेस करती रहती हूँ, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड के मैटर। ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में है एंड ब्लॉसम ग्लो मेरा सेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हाईलाइटर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत ही पुराना हाईलाइटर है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये हाईलाइटर होगा, लेकिन ये जो है कभी कभी जो है आपको 200 रुपीज़ के भी मिलेंगे, क्योंकि इसको मैंने आई थिंक 200 रुपीज़ में ही लिया हुआ था फ्लिपकार्ट से। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो या फिर ये थोड़ा सा प्राइजी लगता है तो उसके बदले आप क्या ले सकते हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस बात करें इसके बारे में, इसमें भी कोई चंकी ग्लिटर्स वगैरह नहीं है, ये प्रॉपर एक रोजी पिंकी हाइलाइटर है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसका जो शेड, सो गाइस एक ही बार में जो है ये आपको इस टाइप की जो पिगमेंटेशन है वो देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बॉम्ब वाला प्रोडक्ट है। एंड मतलब bomb.com प्रोडक्ट है, अगर आप ब्राइडल हो या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लगाते ही आप इससे एकदम से बॉम्ब लगो, तो इस टाइप के हाईलाइटर अगर आप ढूंढते हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो है एक गोल्ड कलर भी आता है, अगर आपकी स्किन टोन थोड़ा सा मीडियम टू डस्की है तो आप गोल्ड वाला ट्राई कर सकते हो, अगर आप मीडियम टू थोड़ा सा फेयर हो तो आप ये वाला हाईलाइटर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर्स वगैरह नहीं है एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, चंकी नहीं है, अफोर्डेबल है एंड ब्रांडेड है। सो या आप उसको ट्राई कर सकते हो, मतलब हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बोला था अगर आप ये चारों प्रोडक्ट या फिर 5 प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो या फिर आप वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइटर नहीं लेना चाहते हो जो कि थोड़ा सा प्राइजी लगता है, कभी कभी वो ऑफर प्राइस में आता है लेकिन वो 200 रुपीज़ के अंदर नहीं है, उसका ओरिजिनल प्राइस जो है 200 रुपीज़ नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। ये है मार्स के एक हाईलाइटर पैलेट, ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया हुआ था। मेरा जो शेड है वो है 2 एंड ये जो है कुछ इस टाइप का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओपन करके दिखाती हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पे जो है 4 हाईलाइटर मिल जाती है, एक इसमें जो है एक ही पैलेट, हम एक ही पैलेट में आपको 4 कलर मिल जाएगी, जैसे कि ब्रॉन्जी यहाँ पे, गोल्ड यहाँ पे जो है एक सिल्वर कलर की मिल जाती है एंड दूसरा जो है यहाँ पे एक रोज गोल्ड कलर की मिल जाती है। उसके ऊपर ना छोटा छोटा सा ग्लिटर की पार्टिकल्स जो है आपको दिखेगा, सिर्फ से ऊपर ही दिखता है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करोगे उसके ऊपर नीचे जो है आपको कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं दिखेगा, और ये जो है थोड़ा सा लिटिल बिट पाउडरी है, लिटिल बिट, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी चौंकी ग्लिटर्स नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर उसको प्राइस में बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने उसको फ्लिपकार्ट से सिर्फ और सिर्फ 112 रुपीज़ में लिया था। जी हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं किस टाइप का कुछ ऑफर था, ऑफर वगैरह था या फिर कुछ था, मैंने रात के 2 बजे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फ्लिपकार्ट और देखते देखते मुझे ये पता चला, मतलब ये 112 रुपीज़ में मिल रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पाई एंड इसको मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड इसमें एक ही साथ आपको 4 प्रोडक्ट मिल गया मुझे एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड लिटरली बताऊँ उसका जो प्राइस है 249 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप हमेशा चेक करोगे तो ये जो है 200 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, आप डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि एक ही साथ आपको सारे स्किन टोन के लिए प्रोडक्ट मिल रहा है एंड साथ ही साथ आप उसको आई शैडो की तरह यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट है एंड अफोर्डेबल। गाइस ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपके लिए कहीं कहीं हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना। एंड इस टाइप के अगर आप कोई भी टॉप 5 या फिर टॉप 10 इस टाइप के कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मुझे भी बनाना बहुत पसंद है। सो या गाइस तो मिलते हो मेरे न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर।